पिहोआ मैन मेन चौक पर नए यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रैफिक डीएसपी भारत भूषण और पिहोआ डीएसपी धीरज कुमार ने लोगों को गुलाब का फूल देकर जागरूक किया। उन्होंने वाहन चालकों को गुलाब का फूल देते हुए यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी। कहा कि अब की बार तो फूल देकर आपको समझा रहे हैं, अगली बार यह फूल हजारों रुपए का होगा, तब भी घर से बाहर निकलें तो हेलमेट पहन कर निकलें। वहीं स्कूटी सवार युवतियों को पुलिस ने रुकवा कर पहले फूल दिया, इसके बाद नसीहत दिए, भविष्य में घर से चलते वक्त ही हेलमेट लगा कर वाहन चलाएं ताकि ड्राइविंग करते वक्त कोई हादसा घटित ना हो। ये अभी जो है मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट हुई है, उसमें जो फाइन की सिचुएशन जो पहले थी अब उसमें बढ़ा दी गई है। अभी हमने 13, 14 और 15 तारीख को ट्रैफिक का अवेयरनेस का प्रोग्राम चलाया है। इस ड्यूरेशन में हम कम से कम चालान करेंगे और लोगों को और बच्चों को इसके बारे में ट्रैफिक के नियमों से जो नई अमेंडमेंट हुई उसके बारे में अवेयरनेस के बारे में जान कर रहे हैं, बच्चों को अवेयर कर रहे हैं, और ताकि आने वाले समय में दुर्घटनाएँ कम हो और जो बढ़ती हुई रोड एक्सीडेंट है उसमें हमने कमी लानी है और लोगों को जागृत करके एक्सीडेंट में कमी लगा।